भीतरवार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, चंद्रशेखर आजाद का दौरा आज। आपको बता दें, विशाल रैली और जनसभा में होंगे शामिल। दौरे को लेकर भारी पुलिस बल किया गया है तैनात। वहीं चरखा में घायल लोगों से मिलेंगे चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से संभागीय इमरान खान। जी इमरान, बताएं क्या है पूरा मामला। बिल्कुल सौम्या, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का एक दिवसीय दौरा ग्वालियर क्षेत्र में है, जिसको लेकर आज का जो दौरा उनका महत्वपूर्ण दौरा जो माना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ग्वालियर जिले के डबरा और भीतरवार में रहेगा। भीतरवार में शाम को 5 बजे वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जो गरीब कमजोर मजदूर शोषित पीड़ित पिछड़े वंचित समाज के अधिकारों के लिए एवं वही पिछले दिन हुए घटनाक्रमों को लेकर जो बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो मूर्तियां स्थापित की गई थी वहां भी जाएंगे। वो गोंदा में भी मूर्ति माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद चरखा में भी जाएंगे। चरखा में जो बताया गया है कि जो तारीख को जो विवाद हुआ था पुलिस और जाटव समुदाय के बीच में, उसमें जो पीड़ित लोग थे उनसे भी मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दौरा आज का चंद्रशेखर आजाद का माना जा रहा है, और जिसको लेकर वो सुबह शाम को 3 बजे भीतरवार पहुंचेंगे। भीतरवार में घाटमपुर तराई से रूप सिंह स्टेडियम, वो पंडित स्टेडियम यानी कि खेल मैदान तक उनका एक खुली गाड़ी में चल समारोह होगा। चल समारोह जगह जगह उनका स्वागत रखा गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं वो स्टेडियम ग्राउंड में पहुंचकर पंडित दीनदयाल स्टेडियम में पहुंचकर सभा को संबोधित करेंगे, जहां हजारों की तादाद में भीड़ पहुंचने की वो लगाई जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इनके दौरे की संभावनाएं चल रही थी और 20 तारीख का कार्यक्रम बना है। अब देखना है कि कितनी भीड़ एकत्रित हो पाती, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपने आप में क्रांतिकारी नेता कहे जाते हैं। उनका दौरा आज भीतरवार और डबरा क्षेत्र में है, तो प्रशासन की भी क्या तैयारी, प्रशासन की पूर्ण तैयारियां है। जी सौम्या जी, तो चंद्रशेखर आजाद का दौरा जब भी होता है तो प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आती है, तो आज की क्या व्यवस्था है प्रशासन की रैली को लेकर? बिल्कुल सौम्य, देखिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है, वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी नेता के रूप में कहे जाते हैं और भीम आर्मी के संस्थापक भी है, तो काफी तादाद में जहाँ भी ये पहुंचते हैं काफी तादाद में भीड़ भी पहुंचती है। और आज की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग के भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में भीतरवार पहुंच रहे हैं, और पिछले एक हफ्ते से इनकी तैयारी के कार्यक्रम को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारियां की जा रही थी, जिसको लेकर आज अनुमान लगाया जा रहा है कि पंडित जो स्टेडियम है पंडित रूप सिंह स्टेडियम, वो पंडित दीनदयाल स्टेडियम में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होगी, जिसको लेकर प्रशासन की भी पुख्ता तैयारियां हो चुकी है। प्रशासन का जो बल है सैकड़ों की संख्या में बल भीतरवार पहुंच चुका है, और जिला अपर कलेक्टर एवं जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर पूरे मामले का मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि शासन की यही तैयारी है कि पूरा दौरा जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, और एक विशाल जनसभा वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड में। जहां भी चंद्रशेखर आजाद जाते हैं सौम्या, वहां प्रशासन कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ जाता है, क्योंकि क्रांतिकारी नेता कहे जाते हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कई दौरे उनके हुए हैं, लेकिन भीतरवार में आज का दौरा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार कुछ घटनाएं जो घटित हो रही है, जैसे कि रातों रात बाबा साहब की अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना हो जाती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। तो चाहे गोंदा के मामले की बात करें, चरखे के मामले की बात करें, दोनों जगह भी वो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचेंगे, वही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो प्रशासन भी किसी भी तरह का चूक नहीं कर रहा है, और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है सौम्या। जी इमरान, तमाम जानकारी की आपका।